हो गया था वो एक पेड़ काटने के समय वो गाड़ी से थोड़ा गिर गया, थोड़ा इसके बाद में थोड़ा बीमारी भी हो गया। उसका किडनी स्टोन है, किडनी का स्टोन भी हो गया, थोड़ा बीमारी में है। लेकिन इसके बीमारी के बीच में भी हमारे बीच में आके मिसा चढ़ाने के लिए आया है। वो इसका यीशु को बहुत प्यार करते, प्रभु का सेवा बहुत प्यार करते। इसका बाप भी, पिता भी हमारे बीच में है, पप्पा, हाथ उठाओ, ये उसको भी स्वागत करते। और फादर जी बहुत प्रार्थना करते, उसका पप्पा भी बहुत प्रार्थना करते। हमको बहुत खुश है आज मिसा चढ़ाने के लिए फादर जी आया, बहुत प्यार से हम स्वागत करते। धन्यवाद फादर जी। आज हम विशेष या शिविर के अंतिम दिन ये पूजा बलिदान अर्पण करते हुए ये प्रार्थना करते हैं समय हम बहुत कुछ के लिए धन्यवाद देने इस समस्या हमको मौका दिया है। विशेष जैसे फादर जी ने बताया, जैसे अनुभव से प्राप्त हो गया एक व्यक्ति आपके सामने है, इसलिए मैं भी विश्वास करता हूँ इतना दिन से अपने तो ब्रदर थॉमस पॉल के हाथों द्वारा आप लोग भी ये समस्या से बहुत कुछ कृपा आशीष आप ले लिया है और आपको मिल गया है। आप विश्वास करो ना विश्वास करो, कारण आप लोग कई ऐसे जगह पर नहीं था जहाँ वजन शेयर करते, वजन देते, वहाँ जो वजन देते वहाँ चंगाई चमकात जरूर हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए वैसे ही जे जमीन तैयार करके रखा है वहाँ बीज डाल दिया तो आज नहीं दिखते तो भी कई दिन के बाद वो बीज उधर गिरा है उसका अनुभव हम देखेंगे। आप लोग आज आप लोगों में कई लोग बोलेंगे मुझे कुछ अनुभव नहीं मिला, जरूर विश्वास करो कई दिन के बाद ये आज ये तीन दिन आप इधर रहने के वो कारण के अनुभव आप खुद अपने मुंह से आप लोग बोल सकते हैं, बोलना पड़ेंगे। कई दिन महीने के पहले मैं एक बार ये शिविर में इधर ही रहते थे, किसी को मैं ऐसे बताया आगे के शिविर में आपका भक्ति आपके साथ होगा। हालेलुया। आज मैं आया तो सबसे पहले आके वो उसको उन्होंने मुझे मिला, आप बताए जैसे कभी मैं विश्वास नहीं किया फिर भी आपके वजन पूरा हो गया है। मेरा वजन नहीं है, ईसा मसीह का वजन पूरा हो गया है और उनके साथ आज इधर शिविर में है। हालेलुया। जैसे मैं आपको 100% गारंटी से बताता हूँ आप लोग बहुत से खुशी से हृदय भर से ईसा मसीह को धन्यवाद करो, धन्यवाद दे दो। आपको जे उद्देश्य के लिए उन्होंने आपको बुलाया है वो अभिषेक वो अनुग्रह वो कृपा आपको मिल चुका है, इसलिए आप जे उद्देश्य के लिए इधर आया है उसके अधिक आपको प्राप्त हो गया है। विश्वास के साथ हम ये पूजा बलिदान अर्पण करते हुए ईसा मसीह को हम स्तुति और आराधना धन्यवाद करेंगे। हम एक साथ ये दुनिया को और हमको एक साथ आज तक किए हुए सभी पापों को और होने वाला पापों को भी प्रायश्चित करते हुए हमको मुक्ति दिया, हमको रक्षा प्रदान किया और क्रूस के चिन्ह द्वारा हमको पवित्र करे, ये पूजा बलिदान के लिए हमको अर्पण करे। एक साथ बनाइए, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। बलिदान प्रीति हो
जो प्रभु वो जो मान हरे संबंध ये ईश कृपा से आप लोगों की आज्ञा से करते औरों
दुष्ट आत्मा से हमको बचा। पवित्रात्मा की महिमा होवे नित्य निरंतर। हे प्रभु हमारे सुंदर पवित्र त्रिदु के पुण्य तथा तेजस्वी नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति और आराधना हो। तेरा नाम स्वर्गो पृथ्वी में सदा पवित्र रहे। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। पेज नंबर 118 118 कर सकते तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से संपन्न और दुल्हन की तरह अलंकृत तेरी कलीसिया में हम निरंतर तुझे धन्यवाद देते और तेरा गुणगान की करते रहे। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। हम करते हैं प्रभु जी महिमा गाएं।
हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो ये सबके प्रभु सर्वदा। महिमामय सत्यमान और अमर ईश्वर, तू भक्त जनों में संतुष्ट होकर निवास करता है, हमारे विनंदी स्वीकार कर। तू अपने स्वभाव के अनुसमय क्षमा कर, अम्बर कृपा कर। हे सबके प्रभु, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, संत याकूब का पत्र अध्याय 1 वचन 19 से 27 तक। गुरुवर आपका आशीर्वाद। संत याकूब का पत्र अध्याय 1 वचन 19 से 27 तक। वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालनकर्ता बने। प्रिय भाइयों, आप यह अच्छी तरह समझ ले, प्रत्येक व्यक्ति सुनने के लिए तत्पर रहे किंतु बोलने और क्रोध करने में देर करे, क्योंकि मनुष्य का क्रोध उस धार्मिकता में सहायक नहीं होता जिसे ईश्वर चाहता है। इसलिए आप लोग हर प्रकार की मलिनता और बुराई को दूर कर नम्रता पूर्वक ईश्वर का वह वचन ग्रहण करें जो आप में रोपा गया है और आपकी आत्माओं का उद्धार करने में समर्थ है। आप लोग अपने को धोखा नहीं दे, वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालनकर्ता भी बने। जो व्यक्ति वचन सुनता है किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करता, वह उस मनुष्य के सदृश है जो दर्पण में अपना चेहरा देखता है। वह अपने को देखकर चला जाता है और उसे याद नहीं रहता कि उसका अपना स्वरूप कैसा है। किंतु जो व्यक्ति उस संहिता को पूर्ण है और हमें स्वतंत्रता प्रदान करती है, ध्यान से देखता और उसका पालन करता है, वह उस श्रोता के सदृश नहीं जो तुरंत भूल जाता है, बल्कि वह कर्ता बन जाता और उस संहिता को अपने जीवन में चरितार्थ करता है। वह अपने आचरण के कारण धन्य होगा। यदि कोई अपने को धार्मिक मानता है किंतु अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रखता, तो वह अपने को धोखा देता है और उसका धर्माचरण व्यर्थ है। हमारे ईश्वर और पिता की दृष्टि में शुद्ध और निर्मल धर्माचरण यह है, विपत्ति में पड़े हुए अनाथों और विधवाओं की सहायता करना और अपने को संसार के दूषण से बचाए रखना। यह प्रभु की वाणी है। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। हल्लेलुया, हर्ष मनाए हल्लेलुया।
खड़े होकर ध्यान पूर्वक पवित्र सुसमाचार सुने, आप लोगों को शांति, और आपको भी। संत लूक द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार, हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। अध्याय एक वाक्य 26 से लेकर। छठे महीने स्वर्गदूत गैब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नजरत नाम नगर में एक कुमारी के पास भेजे गया, जिसकी मांगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नागपुरुष से हुई थी, और उस कुमारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके एक अंध आंख उससे कहा, प्रणाम, प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूतों ने इससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा पात्र है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगे और उसका नाम ईसा रखेंगे। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकोब के घराने पर सदा सर्वदा राज करेंगे और उसके राज का अंत नहीं होगा। मरियम ने स्वर्गदूतों से कहा, ये कैसे हो सकते हैं? मेरा तो पुरुष से संपर्क नहीं है। स्वर्गदूतों ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा अब उतरेंगे और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पड़ेंगे, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापन में आपके कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो मांज कहलाते थी छठा महीना हो रहे हैं, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। क्रिस्त में आदर